देखो तो अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नेट की, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस, फिर मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस, और कोई चीज हो तो डायपोल, मैग्नेटिक मेरिडियन, और फिर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मैग्नेट की, ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, जो चौथे चैप्टर में की थी। तो पहले मैग्नेटिक आप चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज, जी बिल्कुल सही। तो पहले हम एक ये चीज समझ ले, सारे बच्चे ध्यान दो, ये क्या है? एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में साउथ होता है, नॉर्थ होता है, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर, होता है यस सर। अगर होता है तो ये क्या, ये गैस की एक्सियल एक्सिस है। मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस तो पता चल गई, और ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस नाम की चीज समझ में आई? यस इसके बाद, सर, आ गई। इसके बाद मैग्नेटिक पोल जहां होते हैं उस लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से एक प्लेन के तौर पे काट दूं, ऐसे, ठीक, और इस प्लेन को यहां रख दूं ऐसे काटते हुए, बिल्कुल जो इसके पोल्स बेसिकली जेड एक्सिस पे, पोल्स पे से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या लगेगा इसका? मेरिडियन या मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक पोल समझ में आया, मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आया, मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आया। अब जरा इधर आओ, क्या आपने ये फॉर्मूला सुना है चार्ज? अब ये चार्ज जो प्लस माइनस एनी था, अब वो मैग्नेटिक चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक चार्ज। क्या आपने फोर्स का फॉर्मूला सुना है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, अब वो बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। के क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, जल्दी बोलो, क्लियर? यस सर। पोल को चार्ज की जगह लेंगे। हाँ जी बेटा, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उन्हें चार्ज की जगह लेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हो जो साउथ है वो है पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल और जो नॉर्थ है वो है नेगेटिव मैग्नेटिक पोल, ठीक बात? ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से डिपेंड होगा। हाँ हाँ, बोलो 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 सर। फोर्स का क्यू वी भी साइन थीटा नहीं हो सकता? क्यू नहीं, वो तब लगता है जब हम चार्ज को मूव करा रहे हो, लॉरेंस फोर्स है, ठीक है। अब ओके क्या सर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी? हाँ जी सर, क्योंकि ए क्यूब आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड ये बन जाएगी। अब मेरी बात सुनो, अब आप कहोगे भैया मैग्नेटिक फील्ड आप ये बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आप कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे, तो दोनों में फर्क क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हम ये भी बोल रहे थे, जरा देखो दोनों में फर्क देखो। ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये है बायट सवर्ट लॉ, और ये क्या है? ये है मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या है? एक चीज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई है ये मैग्नेटिक फॉर्म में, इसमें मैग्नेट के चार्ज की बात की जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट की फील्ड की बात की जाएगी, इसमें मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाएगी, लेकिन किस फॉर्म में? जैसे वो चलता था के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ चलेगा के क्यू एम वन के क्यू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन पे निकाली गई थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन पे निकाली जाएगी। इसे बोलते हैं हम एनालॉग। क्या बोलते हैं? एनालॉग। हाँ, उससे समानता करेंगे इसकी। तो अब आप एक बात पे आओ, कहाँ चला गया? देखो
अब आपको देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स दो चीजें दिखाई दे रही है लेफ्ट राइट पे। यस सर। इस पूरी टेबल को रीड करना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मैग्नेटिक फील्ड की। आ जाओ स्टार्ट कर दो रीड करना, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। अब जरा ध्यान दो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किस चीज की। हमने यहाँ पे एक तो बात करी इसकी, क्या ये फॉर्मूला ठीक लग रहा है आपको? बस एक चीज अलग है कि ये एप्सिलॉन नॉट के तौर पे नीचे आता था लेकिन परमिटिविटी के नॉट पर ऊपर आता है। तो क्या आप ये कह सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, और वहां पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। शारंग बात ठीक है? हाँ भैया। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू आर इनटू में म्यू नॉट। एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे कोई कहे कि जैसे वहां पर एक बड़ा फॉर्मूला होता था ये था, मयंक इसको साइलेंट पे कर ले, म्यू एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट था इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एफ एम ई नॉट बाय ई एम था। अब बन गया ये म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय म्यू नॉट, तो ठीक है, लेकिन ये बन चुका है एफ एम बाय एफ नॉट और ई बन गया बी। ठीक है, इस बात को समझो। ऊपर कौन सा ई एम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। आ जाओ अब इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था। बेटा गेट खोलो, खोल दे। देखो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप बताओ ये बात ठीक है या नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहे वो चार्जेस, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, गलत है। फिर इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता था, अब ये चार्ज प्लस क्यू एम और माइनस क्यू एम है, ये मैग्नेटिक चार्जेस है, और दूसरी बात इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। फिर से इसका सेंटर लिया और वहां से चेक करना चालू किया सब कुछ, यहां तक का डिस्टेंस ए ए, और ये इसकी एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट पी, जहां तक का डिस्टेंस आर। ठीक ठीक आफियन। अब अगर मैं कहूं नहीं इसकी एक्सियल पोजीशन पे पता करो तो भी आर, तो जो आर है वो डिस्टेंस है। आर क्या है, आर एक डिस्टेंस है सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, आ जाओ अब मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक, दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप कहते थे वहां पे के क्यू बाय के पी बाय आर क्यू। अब क्या बन चुका है, यहां पर के क्या है, यहां पर के क्या है, वहां क्या था, क्या कंपेयर कर पा रहे हो। दूसरा एक्सियल पोजीशन पे, अब इक्विटोरियल पे देखना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी इक्विटोरियल पोजीशन पे। हाँ जी बेटा एल क्यूब ले लो, इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के एम बाय एल क्यूब, और अब ओ ये थोड़ा सा बेटा बार बार सिंबल में गलती कर रहा हूँ देख लेना,
और यहाँ पे भी एक ही क्यूब आएगा। और अब क्या बन चुकी है, अब याद करो लेसन नंबर 4 में मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, आइए एन टर्न्स के लिए एन आइए, ये लेसन नंबर 4 में था करंट के हिसाब से, अब करंट नहीं है, फिफ्थ चैप्टर में करंट। तो फिफ्थ चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्या ये बात समझ में आई सबको? शारंग बात समझ में आई? हाँ भैया। एलिशा बात समझ में आई? हाँ जी सर। उन्नति बात समझ में आई? हाँ जी सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो तो यहां तक तो हमारी ये बात हो गई। अब मैं फिर से बात कर रहा हूं पोजीशंस की। सबसे पहले एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे ये आर होता है, होता है ये एल होता है, ये एल होता है, ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू एम होता है, हाँ ना बोलो। तो आप जानते हो ई, आप जानते हो पी पॉजिटिव क्या होगा, के क्यू एम बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हाँ ना बोलो। और बी नेगेटिव क्या होगा? हाँ जी सर। लेकिन एक बात बताओ, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, तो बी नेट क्या आएगा? अब आपने माइनस क्यों करा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, क्या उल्टी है? डायरेक्शन उल्टी है, नेगेटिव क्यू से जो आ रही है और जो पॉजिटिव से आ रही है उनकी डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है, एक अट्रैक्ट कर रही है और एक रिपेल, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव मान के चलते, ठीक, हाँ ना बोलो। दिया बात ठीक है, सलोनी बात ठीक है, सलोनी वहां बाद में सुन ले, पहले यहां ध्यान दे ले, अभी इनको डांट रहा हूं। अब इक्विटोरियल पोजीशन, अगर ये चार्ज क्यू एम है प्लस का और ये चार्ज क्यू एम है माइनस का, तो प्लस से पी पॉइंट तक और माइनस से पी पॉइंट तक क्या असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? प्लस से क्या पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस का, और माइनस से पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड माइनस का। तो सबसे पहले तो आप इस बात क्या कर दिया मैंने सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, जो प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई बताएगा आर क्या है? आर है ये, लेकिन ये आर निकालू कैसे, वही ए और आर। अच्छा तो क्या ये निकलेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ ना बोलो। और ये भी निकलेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रखना जरा यहाँ पे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो डायरेक्ट ऐड होगा। मैंने चार्ज नहीं लिया देखो क्यू का, ऐसा ही करते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इसको तभी मैं बार बार मैग्नेटोस्टैटिक बोलता हूँ, मैग्नेटोस्टैटिक कोई चीज नहीं होती, ठीक है। क्या आप कह सकते हो बी पॉजिटिव है बी नेगेटिव है? हाँ जी है। अब उन दोनों का मैं क्या करूं, क्या लग रहा है आपको, क्या ये दोनों ऐड होंगे? अरे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक ये चीन जा रहा है एक जापान जा रहा है, तो इनको नहीं ऐड कर सकता, मैं क्या करूंगा, इनको रिजॉल्व करूंगा। अगर ये थीटा है तो क्या यहाँ पर होना चाहिए बी पॉजिटिव कॉस थीटा, हाँ ना बोलो, और ऊपर बी पॉजिटिव साइन थीटा, ऐसे ही इसके हो जाएंगे। बी नेगेटिव कॉस थीटा और नीचे बी नेगेटिव साइन थीटा, हाँ ना बोलो, ये कट जाएगा। तो नेट फील्ड कितनी आएगी, बी इक्विटोरियल, बी इक्विटोरियल कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ बी कॉस थीटा, ट्वाइस तो ठीक है, बी की वैल्यू क्या है,
और cos थीटा इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा आपको बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। समझे? अब जरा इस बात को यहां पे देखो, क्या सॉल्व किया मैंने? सर आपका माइक म्यूट है। अब देखो, अब आवाज आ रही है? यस सर। पहले भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यार ठीक है गलत है जल्दी बोलो। अब अगर मैं इसको मैग्नेटिक कर दूं तो, और इसको मैग्नेटिक फील्ड कर दूं तो घूमेगा तो फिर भी, तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पहले बताओ? हाँ जी सर करेगा। क्या ये क्या प्लस का क्यूएम जाएगा, रुको, प्लस का क्यूएम जाता माइनस की तरफ और माइनस का क्यूएम जाता प्लस की तरफ, ठीक, और ये गोल घूमेगा। हाँ ना बोल। हाँ जी सर गोल घूमेगा। अगर प्लस का क्यूएम माइनस की तरफ जाए शारंग और माइनस का क्यूएम प्लस की तरफ जाए तो एक फोर्स पैदा होगी। हाँ भैया होगी, क्यू इंटू ई। और ऐसी एक फोर्स यहाँ पैदा होगी। हाँ भैया। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी पैदा होगी, ठीक, एक प्लस की पैदा होगी एक माइनस की। हाँ ना बोल। हाँ भैया। तो वो कह रहा है इस तरीके से जो प्लस और माइनस की मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हुई उससे नेट फोर्स क्या आएगी? ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भैया। अगर यहाँ पर कोई फोर्स ना लग रही हो लेकिन सेंटर से फिर भी एक इफेक्ट लग रहा हो तो उसको हम कहते हैं टॉर्क, पहली बात जो सेंटर से इफेक्ट लग रहा हो। दूसरा, यहाँ पर नेट फोर्स लगेगी जीरो और वो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ याद आया? Yes, sir. अब वो जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा उसका फोर्स क्या होगा और उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आ जाओ देखो, वो कह रहा है ये है वो चीज जो गोल घूम रही है। अब आप थीटा यहाँ पे मान लो या यहां पे मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना बोलो। Yes, sir. ये ले लिया थीटा। तो अब वो कहता है आप एक काम करो, इससे ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो? ट्रायंगल के सामने ये साइड है आपका थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनस। हाँ ना बोलो। तो यहां से आपका साइन थीटा क्या आया? क्या आया साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में 2a, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया 2a साइन थीटा। ठीक है या गलत है जल्दी बोलो? ठीक है सर। और अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा और फोर्स हमारा क्या है? QE, याद है QE? यस सर। तो वैसा ही QB और QB साइन थीटा बन जाएगा। क्यू बी ये रहा और 2a साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल। हाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क बन गया b इंटू m इंटू साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा हटाने पर जो चीज बचेगी, साइन थीटा हटाने पर जो चीज बचेगी वो होगी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में क्रॉस प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड हुई तुम्हारी एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक डाइपोल हुआ वाई एक्सिस में तो जवाब आएगा टॉर्क जेड एक्सिस में, वो भी नेगेटिव। वो आप खुद करके देखो, ठीक। अब उसके बाद वो कहता है एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? जो अभी तुमने फोर्स निकाला है उसके साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स तो जीरो थी तो टॉर्क के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो। ये टॉर्क क्या बेटा जानते हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी जानते हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टॉर्क क्या है? एम बी साइन थीटा। हाँ ना बोलो।
इस एम बी साइन थीटा को अगर डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एम और बी तो हो जाएगा बाहर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा की लिमिट रखूंगा मैं थीटा टू से लेकर थीटा वन तक, तो माइनस बाहर ले जाओ, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल कर आएगी, माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है या गलत है? अब थीटा वन और थीटा टू, हाँ बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, अब यहां पर कॉस थीटा वन और कॉस थीटा टू की दो वैल्यू रख सकते हो आप, डिपेंड करता है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, जीरो टू 180 और 180 टू जीरो, ठीक। अब यहां पर ये आपका एनालॉग होता है समाप्त। अगला टॉपिक है इसका अर्थ मैग्नेटिज्म। अब मेरी बात सुनो, जो चैप्टर कल चल रहा था, हाँ बेटा टॉपिक देख क्या लिखता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनानी है। ये मैंने मैग्नेट बनाया और ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ और नॉर्थ पे डिपेंड करती है, साउथ और नॉर्थ पे डिपेंड करती है, और साउथ और नॉर्थ पे कैसे डिपेंड करती है देखो, कोई बताएगा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, साउथ से कि नॉर्थ से, ओरिजिनेट होती है साउथ से टर्मिनेट, ठीक है। तो ये लो, ये नॉर्थ से साउथ, बहुत अच्छा, ये दूसरा नॉर्थ से साउथ, ऐसे यहां पर, ठीक, नॉर्थ से स्टार्ट करके टर्मिनेट कर रही है साउथ में स्पेस में, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है अंदर, साउथ से नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अब एक एक करके बातें समझो, पहली बात, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेस में स्टार्ट करती है नॉर्थ से और टर्मिनेट करती है साउथ पर, और मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर साउथ से स्टार्ट करती है और टर्मिनेट करती है नॉर्थ पर, बात ठीक है बच्चों, गलत है, सही है सर, पक्का, यस सर। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लूप बना सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बना सकती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बना सकती है, ठीक है। अच्छा अगली बात, और कोई खास बात बताओ, हाँ, अगर ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहां खुली होगी, तो कहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जहां पास पास है या जहां दूर दूर है, जहां पास पास, तो यहां पर कहोगे आप कि हाई है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, यहां पर लो है मैग्नेटिक फील्ड का, खत्म बात। अच्छा अगर कोई कहते कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो नो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, हाँ ना बोलो, हाँ जी सर। अब क्या चाहते हैं हम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, अगर कोई आपसे यूं कहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक्सपीरियंस करती है लेटरल प्रेशर, तो हाँ, जितना वो दूर जाती जाएगी उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं तो गैप बहुत कम है, अब गैप बढ़ गया, अब तो बहुत ही बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपीरियंस करती है लेटरल, लेटरल मतलब होता है लंबाई नुमा, लंबाई में लग रहा प्रेशर, लेटरल प्रेशर एक्सपीरियंस करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बात ठीक है, बोलो बच्चों, हां भैया सही है सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक बार 12th की बुक में देख लेते हैं अगर ये दिखता है तो,
ये डाइपोल हो गया था कल, टॉर्क हो गया था बेटा, ठीक है। तो जो अब अगला टॉपिक आता है आपका वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं आपसे जो बात करूं बताना, टॉपिक देखो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है बेटा। पहले तो आप एक बात समझो, ये क्या है अर्थ। अर्थ पर ये साउथ और नॉर्थ पोल है, व्हाइट कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो साउथ और नॉर्थ पोल है। है बेटा साउथ और नॉर्थ पोल, हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। और अगर मैं ईस्ट वेस्ट ढूंढू तो पहले तो चेक कर लो ईस्ट वेस्ट ठीक बनाया ना, उल्टे बना दिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारा ध्यान है कि नहीं आप। ध्यान दो सर। अब अगर मैं आपसे सन की बात करूं, किसकी, सन का मतलब क्या होता है, सूरज, बेटे वाला सूरज। तो अगर मैं सन की बात करूं तो आप जानते हो सन कहां से राइज करता है, किससे करता है, मुझे ध्यान नहीं देता है, मैं भूल जाता हूं, यहां से राइज करता है सन, बनाया तो उधर है, लिखा तो उधर है। और सेट कहां करता है, वेस्ट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया सन राइज करा, सन सेट करा, इससे होगा क्या, आप ना इस तरीके से खड़े हो जाओ कि आपके लेफ्ट और राइट हैंड ईस्ट और वेस्ट को समझा रहे हो। तो जो आपका सर होगा, हेड होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। क्या कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा है? नहीं सर, हमें ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई। इसको तू तो घसियारे स्कूल में पढ़ा है, ध्यान दे। इसको हम कहते हैं सन से डायरेक्शन का पता लगा, दिन में इसी से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता लगाया जाता है, रात में हम एक पोल स्टार होता है ध्रुव तारा, उसकी मदद से कई बार जो ये नाव चलाने वाले होते थे वो भटक जाते थे, क्योंकि पोल स्टार एक बड़ा स्टार होता है, वैसे ही और बड़े स्टार जैसे प्लैनेट होते हैं। पोल स्टार की खासियत है वो ट्विंकल करता है, और प्लैनेट्स कभी भी ट्विंकल नहीं करते, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट ना स्टार से भी बड़े दिखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते थे कि ये पोल स्टार तो नहीं है। तो ये था तरीका पता लगाने का। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ पोल बताया मैंने आपको, ये मैग्नेट के हिसाब से है या सन के हिसाब से? मैग्नेट के हिसाब से क्या होगा भाई, ना मैग्नेट के हिसाब से ही होगा। भाई हुआ क्या, जब इस तरीके से पता चला तो एक आदमी ने मैग्नेट का पता लगाया, फिर उसने कहा चलो भाई ढूंढने चलते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, और वो अपने हाथ में कंपस लेके चल दिया। कंपस लेके चला तो उसको देखो नॉर्थ कहां मिला, क्या ये नॉर्थ और साउथ ऊपर के नॉर्थ और साउथ से मिलते हैं, थोड़े से तिरछे नहीं है? भैया हाँ शारंग मेरी बात सुन। हाँ भैया। देख एक मैं येलो कलर की लाइन बना रहा हूँ, एक्सिस, ये नॉर्थ और साउथ है, लेकिन किसका नॉर्थ है, मैग्नेट का, किसका है, मैग्नेट का, मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल तो दिख गए। अब मैं बात कर रहा हूं तेरे से, ये कौन से नॉर्थ साउथ है, सन के, किसके बेटा, सन के। तो जरा ध्यान दे, सन और मैग्नेट के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ के साथ इस एंगल को मैंने 11.3 निकाला, कितना निकाला, 11.3। अब मैंने तेरे से पूछा ये तो सेंटर ऑफ अर्थ से 11.3 एंगल आया, ये तो थीटा एंगल है, थीटा एंगल है क्या, ये थीटा एंगल कुछ कह रहा है क्या, हाँ पुराने वाले नॉर्थ साउथ को मना कर रहा है, तो उसका मैंने नाम दो क्या लगता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लाइन कर रहा है उस बात, ठीक बात, डिक्लाइन झुकना होता है ना, ये झुकने वाला नहीं है, ये वाला है जिसका मतलब है ये डिक्लाइन कर रहा है कि ओरिजिनल नॉर्थ साउथ कौन सा था, ठीक है। हाँ इसको इस वजह से झुकना बोल देते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये अर्थ
के नॉर्थ को थोड़ा सा टिल्ट दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तेरे से ये कहूं, ध्यान दियो जरा, पॉइंट समझियो, ये एक बार ये वाला एंगल देख, एक बार ये वाला एंगल देख, एक बार ये वाला एंगल देख, क्या लग रहा है सारे एंगल बराबर है छोटे बड़े हैं? बोलो बराबर होंगे देखने में तो, छोटे बड़े हैं। ये एंगल तो बहुत छोटा है, मान लो 6 डिग्री, ये एंगल 7 डिग्री, ये सब क्या, ये पॉइंट है बेटा जहां पर कोई कोई ना कोई देश होगा, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। और अगर कोई बिल्कुल ऐसा देश हो जो नॉर्थ और साउथ, सन के नॉर्थ और मैग्नेट के नॉर्थ के बीच में आ रहा हो, वहां तो 180 डिग्री हो जाएगा। और ये तो बहुत ही बड़ा एंगल लग रहा है मेरे को, ये भी 120 लग रहा है। तो ये क्या एंगल वेरी करता है? बिल्कुल। तो 11.3 का होता है, अर्थ के सेंटर पे, सारी दुनिया में नहीं होता 11.3 है। बोलो ठीक है भैया, अच्छा समझ गए सर, ठीक है। अब फिर से आपको देखें एक बारी, चारंग भैया सर पर एक डाउट है, अर्थ तो रोटेट करती है तो उसका सेंटर हम कैसे बताएं? इंटर तो सेम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चल ध्यान दें आप, अब ध्यान दो, ये क्या है, ये इक्वेटर है, बात ठीक है शारंग? हाँ भैया, इक्वेटर ठीक लिखा मैंने? हाँ। अब इक्वेटर ये है और पोल्स ये हैं, तो पोल्स और इक्वेटर के बीच में क्या एंगल है? 90 आपने कभी ये चीज देखी है? अगर देखी तो इसका नाम बताओ। तुम पास है ये तो, मैग्नेटिक कंपास, कंपास कंपास जो बोलना है आपको, बोलो क्या है? UM होता है और S level होता है। चलो भाई यार, तुम्हारा यही खत्म। अब ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर ये पूछूं ये पिछला हिस्सा क्या है, तो आप कहोगे साउथ है, तो ये अगला हिस्सा क्या है? अब इसको यहाँ पुट करो, यहाँ रखना भाई, और इसको यहां पुट करो। देखो यहां रखो, देखो जो हमारी अर्थ का साउथ है उसकी तरफ मैग्नेट का क्या अट्रैक्ट हो रहा है, क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। और नॉर्थ की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा है? साउथ। और जो इक्वेटर है वहां पर क्या हाल है? साउथ और नॉर्थ दोनों उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मतलब साउथ की तरफ नॉर्थ और नॉर्थ की तरफ साउथ अट्रैक्ट हो रहा है, बिल्कुल खींचा हुआ है इसको, तना हुआ है ये, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। हाँ बात है, ठीक बात है, गलत बात है? सही है बात। अब अगर मैं आपको कहूँ अर्थ बनाओ, देखियो तो बात एक बार फिर से बता दो, हैं ये खींचा हुआ कैसे है? एक दोबारा बता रहा हूँ, एक बार इसको देख दो, ये अर्थ है, अर्थ को देख बेटा, अर्थ के पोल देख, नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब तू इक्वेटर इक्वेटर पे खड़ा है कंपास लेकर, तो कंपास बिल्कुल सीधा ऐसे पड़ा है, कहीं डिप नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? डिप। इसका मतलब ये दोनों तरफ से बराबर का खिंचाव रखता है, लेकिन जब तू कंपास को इधर लेकर आया तो उसका झुकाव हो गया, वो ऐसे डिप कर रहा है, उसका नॉर्थ डिप कर रहा है, जैसे ये ऐसे झुकाव आ गया। फिर झुकाव आते 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 जब तू यहाँ आके खड़ा हो गया ना, बिल्कुल झुकाव ऐसा हो गया। देखिए क्या करके देखो, यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पे और झुकाव आया, और झुकाव आया, आते आते बिल्कुल 90 डिग्री आ गया झुकाव। तो ये है डिप एंगल, क्या है? डिप एंगल।
डिप एंगल जिसको कर्ली से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है? फाई से। कर्ली, कर्ली फाई, कर्ली डेल्टा बोल सकते हो आप, कर्ली होता है वैसे ये, जो कर्ली से जो डिप एंगल दिखाया जाता है इसकी थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ होगी? इक्वेटर। और इसके थीटा की वैल्यू 90 कहाँ होगी? पोल्स। बताओ बात ठीक है गलत है? सही है। कोई दिक्कत? डिप एंगल समझ में आया सब बच्चों को? आ गया सर। तो मेरी बात सुनो, डिप एंगल के थीटा की वैल्यू जीरो पोल्स पे होती है, डिप एंगल के थीटा की वैल्यू 90 पोल्स पे होती है और जीरो इक्वेटर पे होती है। अब ये डिप एंगल होता कहाँ है? एक मेरिडियन देखो, ये मैग्नेट का मेरिडियन है, क्या है ये? मैग्नेट का मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब दूसरा देखो, ये किसका मेरिडियन है? कौन सा मेरिडियन है बेटा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अच्छा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेट के मेरिडियन के बीच का एंगल देखना, 90 लग रहा है। 90 नहीं है ये, डिप, ये वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ऐसा हो सकता है आप अपनी मैग्नेट ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे ही लेके चल रहे हो, ठीक है? जंतर मंतर इसी पे बना हुआ है। आप अपने कंपास को ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे रखो, आप बाहर निकल जाओ। और अगर आप वैसे चल रहे हो तो आपको हर रास्ता एक जैसा लगे, ठीक है? अच्छा, ये है आपकी मैग्नेट। मैग्नेट की फील्ड होती है बेटा, मान लो साउथ और नॉर्थ है, और ये मैग्नेट की फील्ड है। दिख रही है मैग्नेट की फील्ड बच्चों? राघव? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, उस मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल मैंने डेल्टा मान लिया। डेल्टा का मतलब अभी क्या बताया था? डिप एंगल। क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल बन गया, डिप एंगल। ये वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। अब पहले इसको देखो आराम से और फिर मुझे बताओ, क्या आपने ये पढ़ रखा है वेक्टर में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेजोल्यूशन? वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब होता है, ठीक बात? और अगर मैं ऐसे में डायरेक्शन निकालनी हो और मैग्नीट्यूड बी नेट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो होगा अंडर रूट बी एच का स्क्वायर बी वी का स्क्वायर टू बी एच बी वी। कौन सा फॉर्मूला लगाए? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आपकी? ठीक बात है गलत बात? बोलो। और इसी हिसाब से आपकी डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों? वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, बी का साइन थीटा डिवाइड बाय बी का कॉस थीटा। ठीक बात गलत बात? सही बात। जरा डिवाइड करना, क्या 10 थीटा आ जाएगा अपने आप ही? और क्या आ जाएगा? बी भी कट जाएगा, साइन और कॉस 10 हो जाता है। तो यही याद रखना है आप, कि बी वी बाय बी एच होता है डायरेक्शन और बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड। ठीक बात या गलत बात? ठीक बात है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। बी एच बी वी समझ में आया? आ गया। डिप एंगल समझ में आया? आ गया वो भी। इक्वेटर पे डिप एंगल जीरो होगा, पोल्स पे 90 होगा, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कहाँ पे है। ठीक है, अब जल्दी से इसको रीड करो, ध्यान दो। एक बार डिप एंगल देखते हैं। मुझे कंपास ना उसके लिए बेटा लाना पड़ेगा, कंपास तो है ना यहाँ पे मेरे पास,
आप इक्वेटर से काम चलाओ, इक्वेटर से देखो, अगर मैं इक्वेटर पे हूं तो ये साउथ और नॉर्थ मेरे मैग्नेटिक पोल्स के इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि इधर गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि इधर गिरेगा नहीं, लेकिन जब मैं यहां लाऊंगा तो यहां पर लाते लाते ये पूरा का पूरा इधर घूम जाएगा, कितना 90 डिग्री, कितना घूम जाएगा, और जब मैं यहां लाऊंगा तो पूरा का पूरा इधर घूम जाएगा 90 डिग्री। बात ठीक है राघव? आवाज तो बंद नहीं कर सर, ठीक है, खुली हुई आवाज आ रही है। तो बेटा राघव मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेटर पे डिप एंगल, डिप एंगल का मतलब होता है उसका झुकना, कंपस का झुकना, कंपस में एक निडल होती है वो बिल्कुल स्टेडी रहे तो इसका मतलब इक्वेटर है, थोड़ा सा भी इक्वेटर से इधर गए तो वो झुकने लगेगी, वो झुकने लगेगी, टिप करने लगेगी। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बता दिया क्या होता है टिप एंगल, क्या होती है बातें, ये बंद कर दी बेटा। तो डिप एंगल में क्या समझ में आ गए? हाँ जी सर, इसके ऊपर जाकर के जो एंगल पोल्स को दिखाएगा वो एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपका 11.3 हो सकता है, लेकिन कहाँ, सेंटर ऑफ अर्थ पे। क्या ये हमेशा 11.3 डिग्री होगा? नहीं, ये बदलता रहेगा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब, ये जो हमारे हमने निकाला था वर्ड किसका, सन से निकाला था जो हमने साउथ नॉर्थ, वो गलत था। अब जो हमने निकाला है वो किससे निकाला है, मैग्नेट से। किससे निकाला है? मैग्नेट से। फिर डिप एंगल मैंने बताया आपको, पोल्स पे 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री। आपके वन मार्कर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इतनी सारी बारे बार बातें बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे ध्यान दो, डिप एंगल पे ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ध्यान दो। जनरली आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया जाएगा, अब यहां पर इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच से दिखाया तो आप भी एच से दिखा सकते हो। ठीक है? हाँ जी सर। गलत है क्या? सही है सर। अब देख लो क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट डिप एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90। अगर थीटा 90 है तो उसका हॉरिजॉन्टल पोल जीरो होगा, और अगर थीटा जीरो है डिप एंगल तो वर्टिकल जीरो होगा। क्यों? वैल्यू रख के देख लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होता है कॉस थीटा, और आप जानते हो कि कॉस 90 कितना होता है, जीरो। अब ये वन मार्कर क्वेश्चन बन गए, बन गए। हाँ जी सर, बन गए। तो एंगल ऑफ डिप 90 होता है, कहां पर होता है डिप 90, पोल्स पे या एक्सिस पे, वो इक्वेटर पे, पोल्स पे। तो पोल्स पर हमेशा, पोल्स पर हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, और अगर मैं बात करूं आपसे इसकी तो ये इक्वेटर से क्या है, क्या यहां ये बात लिखी हुई है, देखते हैं। ये देखो ये लिखी बात, पढ़ बेटा। सो रीड मारना है। हाँ। In the northern hemisphere, where the south pole of the fixed magnet lies, the north pole of the dip circle will dip down. And in the southern hemisphere, वो कह रहा है dip angle पूरा का पूरा down कर जाता है। जहाँ dip down करता है वो क्या है हमारा north pole, और जहाँ dip up करेगा वो क्या होगा south pole। आगे पढ़। At any point near equator, the angle of dip is less. Example at southern India, delta is almost equal to 18 degree, whereas at a location near the pole, the angle of dip is more. Example at Britain, delta is nearly equal 70 degree. ये बात ठीक है? तो तेरा angle poles की तरफ बढ़ रहा है और equator की तरफ घट रहा है। बात ठीक है, गलत है? सही है। ठीक है। तो उसके बाद ये चीज बताई, देखो magnetic meridian वाली, ये बात बता चुका हूँ मैं आपको। न्यूट्रल पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान देना सारे बच्चे। मैग्नेट दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी सर, दिख रही है। बेटा एक बात सुन, ये कौन सी फील्ड है, ये मैग्नेट की नहीं है, ये अर्थ की है, और ये मैग्नेट की है। ठीक ठीक। लेकिन एक पॉइंट देख ऐसा आया जहां पर ना मैग्नेट की ना अर्थ की, किसी की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो कैसा पॉइंट है? न्यूट्रल पॉइंट। दोनों इक्वल होकर काट रहे हैं एक दूसरे को। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो ये कहां पर है? क्या लग रहा है आपको? मुझे तो इक्विटोरियल लग रही है।
इक्वेटोरियल है क्योंकि ये इक्वेटोरियल है बेटा, इससे 90 डिग्री है ध्रुव, ध्यान दे। और अगर मैं यहां देखूं तो बेटा यहां 0 डिग्री है, यहां 0 डिग्री है। अगर कोई आपसे पूछे ये कौन से न्यूट्रल पॉइंट है तो आप कहोगे या तो एक्सियल या इक्वेटोरियल। याद करो डाइपोल पे एक्सियल और इक्वेटोरियल के तो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन में r की क्यूब था एक्सियल पे और m अपॉन में r की क्यूब था इक्वेटोरियल पे। आना बोलो। हां जी, इधर पढ़े थे, बस ये वही है। ठीक है, यस सर। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर ज्योग्राफिकल साउथ नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वेट कर रही होगी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आना बोलो। हाँ जी सर, कर रही होंगी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, तो कहीं और बताया मैंने, ये डेरिवेशन है बेटा, आपके कोर्स में नहीं रही है। दूसरा परमेबिलिटी परमिटिविटी, ये जो बातें है ना, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, ये आपके कोर्स से डिलीट किया गया 30%। तो आज आपका चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त।